हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 60 GK ट्रिक। तो फ्रेंड्स, हिंदी की इस ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सारी चीज की ट्रिक जो कि आप लोग आसानी से देखोगे कि किसके अंदर कितने कारण हैं, कितने भेद हैं। और लास्ट में मैंने इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट को भी इंक्लूड किया है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए किसी न किसी एग्जाम में काफी बहुत बार आ चुके हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग उसको क्वेश्चन को जो कि सॉल्व करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ट्रिक को शुरू करता हूं। और पहला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के कितने भेद हैं, देखिए कारक के जो भेद होते हैं तो फ्रेंड्स वह हमारे 8 भेद होते हैं। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए, तो देखिए कारक में आप लोगों को क्या नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो कारक के जो मैंने आपको भेद बताए हैं वह 8 भेद होते हैं, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए ताकि एग्जाम में ना भूला जाए। तो चलिए मैं आपको इसको ट्रिक से याद कराता हूं। फ्रेंड्स, आपके सामने इस कारक के जो 8 भेद होते हैं, इसी कारक में से मैंने क को जो कि अलग लिखा है। अब देखिए मैं आपको ये कैसे याद कराता हूँ। देखिए, कारक के भेद को जानने के लिए मैंने इस क को ऐसे रोटेट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, ये फ्रेंड्स 8 की शेप में बन जाता है। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि जो कारक के भेद हैं वह हमारे 8 भेद होते हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराइए मत, जैसे ये ट्रिक में आपको मैं जब क्वेश्चन आंसर सेट कराऊंगा तो उसमें ये ट्रिक देखिए आप लोग कैसे इस ट्रिक के माध्यम से पेपर को सॉल्व करते हो। ये सारा का सारा क्वेश्चन सेट में इसमें इंक्लूड किया है, उसको आप लोग जब सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कारक के भेद होते हैं वह 8 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो सर्वनाम के प्रकार को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए कि सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वह हमारे 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। आपको याद रखना है सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर याद नहीं होता है तो आप लोग ट्रिक से याद कीजिए। देखिए, सर्वनाम को मैंने कुछ किया नहीं है, बस इसको मैंने अलग अलग लिख दिया है। अब इसको जो कि आपको काउंट करना है और इससे जो कि पता लग जाएगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। लेकिन जो इसके ऊपर का ये रह है, इसको आपको 3 काउंट में करना है। उसके बाद ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 और ये हमारा 6, यानी कि इक्वल टू 6 ऑल ओवर आपको सबको काउंट कर लेना है। तो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो जो कि आपके 6 निकल के आएंगे, ठीक है। बस टेंशन ना लीजिए, बस आप वीडियो देखिए, अभी जब मैं क्वेश्चन आंसर सेट कराऊंगा वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं। देखिए किस तरह से होते हैं, अगर आप किसी को प्रॉमिस करोगे, यानी कि अगर आप किसी को वचन देते हो तो या तो उसको लिख कर दे सकते हो या फिर उसको बोलकर, इसी 2 कंडीशंस के द्वारा आप जो कि किसी को प्रॉमिस कर सकते हो। तो देखिए यही हमारी ट्रिक हो गई कि या तो आप वचन जो कि किसी को लिख कर दे सकते हो या फिर बोल कर दे सकते हो। तो वचन कितने प्रकार से हो गए, हमारे 2 प्रकार के वचन हिंदी में होते हैं, ठीक है। बस ट्रिक को याद रखना है, सारे क्वेश्चन आप जो कि खुद ही सॉल्व कर लोगे, मैं आपको जो कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट आता है, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो अव्यय के जो प्रकार होते हैं वह 4 होते हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए, तो देखिए इसकी ट्रिक जो होती है, अव्यय इसको अलग अलग लिखने की कोशिश करो और इसी के अंदर से आप ट्रिक निकाल पाओगे। देखिए ये हमारा 1, इसका ये आधा अव्यय है, इसको आप लोग 2 में काउंट करेंगे। उसके बाद ये हमारा 3 होता है और ये हमारा 4, एंड इक्वल टू टोटल हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के हैं, देखिए इसको आप लोग ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाच्य जो कि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब इसकी इसको अगर आप लोग याद कर लेते हो तो ठीक है आसानी से, कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं सीधा सीधा। लेकिन अगर नहीं याद होता है तो चलिए एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं, लेकिन आपको अव्यय और वाच्य में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। देखिए वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। अब यहां से इसको निकालने की कोशिश करें तो बस आपको याद रखना है वाच्य के अंदर व और आ को पूरा 1 आपको काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद च है, इसको आपको 2 काउंट करना है, और ये जो है च, इसको जो कि 3 काउंट करना है वाच्य, ठीक है। तो 1, 2, 3 कितना हो गया, 3। तो वाच्य के जो प्रकार होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण आपको पता ही होगा, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हो। तो दोस्तों विशेषण हमारा होता है
चार प्रकार का। अब इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए कि कभी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि दिक्कत तो होती है, संज्ञा सर्वनाम में हमेशा गलती करके ही आए हैं सब लोग। तो दोस्तों विशेषण के जो प्रकार होते हैं वह हमारे चार प्रकार के होते हैं। अब इसको देखिए ट्रिक से, मैंने इसको अलग अलग लिखा है, बस काउंट कर लीजिए, वन और ये टू और ये हमारा थ्री और ये हमारा फोर। तो यानी कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं वह हमारे चार प्रकार के होते हैं एंड इक्वल टू फोर। ठीक है, आसानी से आपको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ रहा है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? देखिए फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं। अब इसमें हम लोग ट्रिक अपनी यूज करेंगे। देखिए ट्रिक में कुछ नहीं है, बस आपको संज्ञा को बड़े गौर से देखना है कि इसके अंदर फाइव जैसा क्या बन रहा है। देखिए यहां पर जो फाइव जैसा बन रहा है वह ज्ञासे ज्ञानी के अंदर बनेगा। क्यों बनेगा फ्रेंड्स? देखिए जिस तरह से हमने कारक में कै को उल्टा कर दिया था तो एट बन गया था, उसी तरह से इस ज्ञासे ज्ञानी को, देखिए ये ज्ञानी इस तरह से लिखा जाता है, इसको जब आप रोटेट करोगे इस तरह से तो फ्रेंड्स ये कुछ इस शेप में जो कि बनेगा। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, ये जो कि कुछ इस शेप में बनेगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से आपको जो कि पांच निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना है कि संज्ञा के जो हमारे भेद होते हैं वह हमारे पांच भेद होते हैं। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, बस अभी आप जो क्वेश्चन आंसर सेट डिस्कस करोगे तो वहां से आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा। और एक जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन, कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, बस आप लोग इसको इतना याद रख लीजिए, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस रचना में रह देख लीजिए और ये हमारा दो भेद होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेट की, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आंसर आप लोग सेट कर पाते हैं और ट्रिक ये कितनी काम करती है। देखूंगा कि कितने क्वेश्चन आपने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे बैंक में, यूपी टेट, पुलिस के अंदर, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आए हैं। तो मैं इन्हीं को अब देखता हूँ आपको कितने आसानी से आप सॉल्व करोगे और ट्रिक आपकी कैसे काम करती है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं। तो बिल्कुल अर्थ के आधार पर हमने संज्ञा के भेद देखने हैं। तो हमने क्या कहा था कि संज्ञा में आप लोग देखिए कुछ फाइव जैसा क्या बन रहा है, तो गैसे ज्ञानी। दोस्त आप दोस्तों इस गैसे ज्ञानी को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, यहां पर कुछ फाइव की शेप में बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ट्रिक यहां पर अप्लाई हो रही है। देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो पांच भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार पूछ रहा है। तो देखिए अभी हमने इसको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि एक यहां से वन टू और ये थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो सर्वनाम के कितने हो गए? सर्वनाम के हमारे छह प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग कितने प्रकार से वचन दे सकते हो, या तो आप बोल के वचन दे सकते हो या फिर लिखकर। तो बोलकर और लिखकर कितना हो गया? दो। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, इसको ट्रिक से देखिए सॉल्व कीजिए अव्यय। ठीक है, अव्यय आप लोग देखिए कि अव्यय में अव्यय को अलग अलग लिख दीजिए और एक एक को काउंट कर लीजिए। तो देखिए ये वन हो गया और ये टू और ये थ्री हो गया और ये फोर। तो आई होप ट्रिक काम कर गई, अव्यय के जो प्रकार होते हैं वह हमारे चार प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हमें नहीं पता है तो बस हमें ट्रिक को याद करना है। देखिए विशेषण को अलग अलग लिखना है और यहाँ पर ट्रिक को देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि एक और ये दो और ये तीन और ये चार, तो कितना हो गया टोटल? चार। यानी कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं वह हमारे चार प्रकार के होते हैं। ओके, यहां से कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया था पहले, कारक में कै ले लीजिए और कै को उल्टा कर दीजिए, जैसे ही आप उसको उल्टा करोगे तो इसमें जो कि एट बन जाएगा। तो यहां पर देखिए बैंक में और टेंट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो कारक के भेद कितने होते हैं? आठ। ठीक है, बस कै देख लीजिए, कै को उल्टा कीजिए या फिर कै को बहुत ध्यान से देखिए, इसके अंदर से एट का आपको सेफ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के यहाँ पर भेद पूछ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, वह दो होते हैं। ओके, या वो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। बस वाच्य में आपको एक चीज याद रखनी है कि वह होता है और वह के साथ जो आ है उसको पूरा आपको एक काउंट करना होगा। ठीक है, इसको आप लोग पूरा एक काउंट करेंगे और उसके बाद ये टू और उसके बाद ये थ्री, तो वन और ये टू और ये थ्री। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी जो कि पूरी आज की सक्सेसफुल ट्रिक थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ट्रिक, और आप लोग जीके या फिर हिंदी में किसी भी टॉपिक्स पर अगर आप लोग ट्रिक चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका जो कि फीडबैक जानना चाहता हूँ, आप लोग अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सभी को मेरी तरफ से बाय।